चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने, रॉ वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट। फिर रॉ वाटर को समझा था हमने कि पूरा स्कीम कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हमने देखा था किस किन पॉइंट्स को डिस्कशन करना है। तो वाटर डिमांड हो गया सोर्स ऑफ वाटर। तो हम पहले अपने टॉपिक्स पे थे वाटर डिमांड पे थे, ठीक है। फिर वाटर डिमांड हमने देखा था क्या होता है, रॉ वाटर का डेफिनेशन देखा था, बेसिक्स डिफिनेशन डिफाइन किए थे कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन वन ईयर इज एनुअल ड्राफ्ट, ठीक है। इस तरह से हमने फिर डिमांड्स देखे थे कि कौन कौन से डिमांड होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड, देन आफ्टर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, वाटर फॉर पब्लिक यूज देखा था, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस डिमांड में हमारे नेक्स्ट डिमांड से, दैट इज कॉल्ड फायर डिमांड। फायर डिमांड क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन केस फायर ब्रेक्स आउट। अब कहीं आग लग जाती है तो पानी की जरूरत होगी आग बुझाने में, तो उसी डिमांड को हम फायर डिमांड कह देते हैं। और ये कितना होता है, इट इज टेकन टू बेस 1 LPCD। सो इट इज टेकन एज टू बी 1 LPCD, ठीक है। The water required to satisfy the fire demand is being utilized from fire hydrants. So, कैसे हम का यूज कैसे करते हैं, तो फायर हाइड्रेंट लगा होता है हमारे वाटर सप्लाई स्कीम में मेन पाइप में, और वहां पे फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं, वहां से हम इसका यूज करते हैं फायर आग बुझाने में, ठीक है। फायर हाइड्रेंट्स आर प्रोवाइडेड इन वाटर मेन पाइप एट द स्पेसिंग ऑफ 100 to 150 meters। स्पेसिंग क्या होता है वाटर फायर हाइड्रेंट्स का, तो 100 से 150 meters का स्पेसिंग होता है। तो स्पेसिंग डिपेंड करेगा कितना रिक्वायरमेंट हमारा, अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा फायर हाइड्रेंट्स का तो स्पेसिंग कम कर देंगे, रिक्वायरमेंट्स कम होगा तो स्पेसिंग को इंक्रीज कर देंगे। द मिनिमम वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एट दीज हाइड्रेंट्स इज 100 to 150 kN/m² एंड शुड बी मेंटेन्ड फॉर एटलीस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 hours। तो अगर हम फायर डिमांड का रिक्वायरमेंट देखें तो ये पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है 1 LPCD, बट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे प्रेशर रिक्वायरमेंट, जो कि 100 से 150 kN/m² का रिक्वायरमेंट है, और जो कि लगभग 4 से 5 घंटे तक का चाहिए सप्लाई, तभी आग बुझाने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Let the discharge of each stream required to extinguish the fire is 1000 liters per minute. ठीक है। In a city of population of 50 lakh, 50 lakh population given है, और जो discharge requirement required है to extinguish fire is 1000 liters per minute. If 6 fire break out in a day, 6 जगह आग लग जाती है in a day, and each fire stand for 4 hours, 4 घंटे लग जाते हैं आग बुझाने में, ठीक है। Then compute fire per capita fire demand if 3 jet streams are simultaneously through from each hydrant. हर हाइड्रेंट से 3 stream निकलती है, तो पूछा कि पर कैपिटा डिमांड क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे वाटर डिमांड पर कैपिटा क्या होगा, 1000 liters per minute डिस्चार्ज इज गिवेन, ठीक है। और 3 stream है यहाँ पे, 3 jet streams, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 घंटे 6 fire तक, 6 fire ब्रेकआउट, 6 जगह आग लगती है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 घंटे ड्यूरेशन ऑफ फायर है, और हमने कन्वर्ट किया इसे सेकेंड में, क्योंकि जो डिस्चार्ज दिया हुआ है मिनट में है, तो सेकेंड में कन्वर्ट किया ये, फिर 50 लाख पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 0.864 liters per capita per day। इतना लीटर का रिक्वायरमेंट है एक दिन में 1 पर्सन द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, चलते आगे। फायर डिमांड कैन आल्सो बी कंप्यूटेड एम्पेरिकली एज फॉलो। सो एम्पेरिकल इक्वेशंस दिए गए हैं फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। एम्पेरिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इस पर कोई लॉजिक नहीं होता, जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, किसी ने ऑब्जर्व किया है किसी पर्टिकुलर जगह पे, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने एक इक्वेशन दिया है, तो वे इक्वेशन हर जगह नहीं फॉलो होगा, किसी एक खास जगह पे फॉलो होगा और खास कंडीशन पे। जैसे ही जगह चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो पहला हमारा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाए और किसी इक्वेशन का नाम ना लिया जाए तो हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या कहता है कि एफ डी इज इक्वल टू 100 इंटू रूट पी। एफ डी मतलब फायर डिमांड, एंड इसका यूनिट क्या हो गया, किलो लीटर पर डे। पी इज इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा होगा तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, दूसरा हम देखा कुचलिंग मेथड। कुचलिंग मेथड गिव्स 3182 रूट पी। यहाँ भी पी क्या है, पॉपुलेशन 1000 में है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज का यूनिट है लीटर पर मिनट है, बट यहाँ पे था किलो लीटर पर डे में। ठीक है, फिर तीसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स मेथड। इसमें क्या कहता है, क्यू इज इक्वल टू 4637 रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 रूट पी। यहाँ भी पॉपुलेशन है पी 1000 में, और ये फार्मूला वैलिड होगा अगर पॉपुलेशन 200,000 से कम होगा तब, और जो डिस्चार्ज है दैट विल बी इन लीटर पर मिनट। अगर पॉपुलेशन 200,000 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तब क्या होगा, डिस्चार्ज 54600 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा बस्टन्स फार्मूला, यहाँ भी लीटर पर मिनट में डिस्चार्ज होगा। फार्मूला इज इक्वल टू 5663 रूट पी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीमैन्स मेथड। फ्रीमैन्स मेथड क्या है, क्यू इज इक्वल टू 1136 इंटू पी बाई 10 प्लस 10। यहाँ भी पॉपुलेशन 1000 में होगा और डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में। अब ऑब्जर्व करेंगे सारे इक्वेशन में, तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस में सिर्फ पी को कंसिडर किया है, पॉपुलेशन को, यहाँ पे ना ही एरिया को कंसिडर किया गया है, ना ही रिकरेंस इंटरवल को कि आग कितने सालों बाद फिर से लगता है, और ना ही ड्यूरेशन ऑफ फायर को। सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर इन्होंने डिमांड को कैलकुलेट किया है, जो एक ड्रॉबैक है इन इक्वेशंस का। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक दूसरा इक्वेशन है जो कि हमारे इंडिया जबलपुर के कॉलेज में ही दिया गया है, कि उसकल टू 4360 आर टू द पावर 0.275 अपॉन टी प्लस 12 इंटू 0.757। तो यहाँ पे क्यू फायर डिमांड हो गया लीटर पर मिनट में, आर हो गया रिकरेंस इंटरवल ईयर्स में कितने साल बाद आग फिर दोबारा से रिकर होता है, थर्ड विल बी टी इजकल टू ड्यूरेशन ऑफ फायर। वही यहाँ पे लिखा है कि ऑल द प्रीवियस मेथड्स नॉट कंसिडर एरिया इन विच फायर ब्रेक्स आउट, जहाँ आग लगती है उसका एरिया कंसिडर नहीं किया गया। फायर डिमांड कंसिडरिंग द एरिया ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकआउट एंड रिकरेंस इंटरवल कैन बी कंप्लीटेड कंप्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड है लॉसेस एंड थेफ्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड आउट ड्यू टू लीकेज एंड थेफ्ट इन रॉ वाटर स्कीम, इट मे बी एक्सटेंड अप टू 10-15% ऑफ टोटल डिमांड। तो ये लॉसेस और हर वाटर सप्लाई स्कीम में कुछ लॉस हो जाते हैं, कहीं लीकेज हो गया, कहीं पाइप फट गया तो वहाँ से पानी बहुत सारा लॉस हो जाता है, या कहीं चोरी भी होता है, तो उसको कंसिडर करना पड़ता है सप्लाई स्कीम में। अगर नहीं करेंगे कंसिडर तो हमारा जो मेन डिमांड है, बेसिक डिमांड है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए लॉस एंड थेफ्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है वाटर सप्लाई स्कीम में। तो हेंस टोटल वाटर डिमांड क्या हो गया हमारा, डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 to 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 50 to 450, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड 20 to 50, वाटर फॉर पब्लिक यूज 10 to 20, फायर डिमांड 1 LPCD, लॉसेस एंड थेफ्ट 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड। तो टोटल आ जाएगा आपका 250 से 350, एवरेज निकालेंगे 335 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी डिमांड्स की कहानी, देख लिया हमने डोमेस्टिक वाटर डिमांड देखा, इंडस्ट्रियल देखा, इंस्टीट्यूशनल वाटर पब्लिक यूज, फायर डिमांड, लॉसेस एंड थेफ्ट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड्स को। ठीक है, द डिमांड ऑफ वाटर डिपेंड्स अपन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला हो गया हमारा साइज ऑफ सिटी। साइज ऑफ सिटी क्या हो गया, बिगर द साइज ऑफ सिटी मोर इज द डिमांड। अगर सिटी का साइज बड़ा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, एज मोर वाटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूज एंड मोर लॉसेस वुड बी ऑब्जर्व। तो पब्लिक यूज के लिए ज़्यादा डिमांड होगा और लॉसेस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, साइज सिटी। दूसरा फैक्टर्स है टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। फॉर अ सिटी हैविंग वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम वाटर डिमांड वुड बी मोर। तो हमने देखा था पिछले क्लास में, एक सीवरेज सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड, एक होता है ड्राई बेस्ड। तो अगर वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम है तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर इज द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर इज द वाटर डिमांड। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा।
सीधी सी बात है। फोर्थ है लिविंग स्टैंडर्ड्स, हायर द लिविंग स्टैंडर्ड्स हायर द डिमांड। अब जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, तो वो डिमांड ज़्यादा होगा, खुद भी नहाएंगे, कुत्ते भी नहाएंगे, उनकी गाड़ियाँ भी साफ होगी, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेटिक कंडीशन, वार्मर इज द क्लाइमेट हायर इज द डिमांड ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, मौसम ठंडा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन, इसके लोकेशन पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर्स पे, कॉस्ट ऑफ वाटर, मीटर वाटर, हायर इज द कॉस्ट ऑफ वाटर लेस इज द कंजप्शन। अब हमने वाटर पे पैसा लेना शुरू कर दिया तो उसका कंजप्शन कम हो जाएगा, बट डिमांड विल बी सेम। डिमांड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो उतना ही रहेगा, वो तो कम नहीं हो पाएगा, लेकिन लोग कंज्यूम करना, बर्बाद करना कम कर देंगे, तो कंजप्शन कम हो जाएगा, डिमांड विल बी सेम। क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटर इज द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड हायर द कंजप्शन। क्वालिटी अच्छा होगा तो कंजप्शन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हायर इज द प्रेशर मोर इज कंजप्शन ऑफ वाटर। प्रेशर ज़्यादा अगर आएगा, पानी के प्रेशर ज़्यादा आएगा तो कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। If water is supplied by a continuous system, wastage in general is observed to be more than intermittent system. अगर दो तरह का सप्लाई सिस्टम होता है, कंटिन्यूस सिस्टम होता है जहाँ पे लगातार सुबह शाम तक हम पानी सप्लाई कर रहे होते हैं, एक होता है इंटरमिटेंट सिस्टम जहाँ पे 2 घंटा सुबह किया, फिर 2 घंटा दोपहर किया, फिर 2 घंटा शाम किया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो लॉसेस ज़्यादा होंगी, तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो खत्म करते हैं यहीं पे आज का लेक्चर। थैंक यू।